उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी पर हुए फायरिंग हमले पर गुलबर्गा डीसी और आरसी के जरिए राष्ट्रीय टीपू सुल्तान युवक संघ के प्रेसिडेंट अरशद डकनी और स्टेट प्रेसिडेंट अजहर खान ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट किया है। इस मौके पर अरशद डकनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस तरह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर हमला करना ये सीधा संविधान पर हमला करने के बराबर है। पॉलिटिकल सोच में ना इत्तेफाकियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसे खुलेआम गोलियां चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। और कुछ महीने पहले असदुद्दीन अवैसी के घर पर भी हमला किया गया था और हमेशा अवैसी के प्रोग्राम को रोकने की साजिशें की जाती हैं। अरशद डकनी ने असदुद्दीन अवैसी के लिए जेड सिक्योरिटी देने की मांग करते हुए कहा, हर सेकुलर जहन रखने वालों को असदुद्दीन अवैसी पर हुए इस हमले की मजम्मत करना होगा। मैं अरशद डकनी और राष्ट्रीय टीपू सुल्तान युवक संघ का नेशनल प्रेसिडेंट और हमारे साथ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अजहर खान साहब और रफीक सौदागर और कई जो है ना हमारे कमेटी के मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर, तालुका मेंबर, आज जो है ना हम आरसी सर के ज़रिए एक जो है ना हम मेमोरेंडम पेश किए हैं, जिसका मकसद ये है मेरे भाइयों, जैसे आप सभी को मालूम है कि दो दिन कबल उत्तर प्रदेश के अंदर जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो दौरा था उनके ऊपर जो फायरिंग की गई, इसके ताल्लुक से जो है ना हमने माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने इस बात की माध्यम के जरिए अपील कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा सेकुलर मुल्क है जहां पर किसी की हुकूमत क्यों ना हो लेकिन आज़ादी सभी को है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का जो संविधान है वो किसी एक जाति के लिए, किसी एक जनांग के लिए सीमित नहीं है, सभी के लिए सीमित है। इससे पहले भी कई जगहों पर जो है ना अवैसी साहब की स्पीच को रोकने के लिए भी कई साजिशें रचाई जाती हैं और कुछ दिन कबल एक दो हफ्ते पहले जो है ना हमारे ही कुछ सरपसंद लोग ओवैसी साहब को और कुछ मोहन भागवत जी को, दोनों को जो है ना साइड में बैठी हुई एक फ़ोटो शेयर किए थे, जबकि वो फ़ोटो एडिट की हुई है। खैर, एक लीडर होने के नाते अगर वो किसी से मिल भी सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके उनकी मेंटेलिटी अलग है, इनकी अलग है। कहीं फंक्शन में मिल भी सकते हैं, ये बात अलग है, लेकिन उनको जो है ना ये फलां के एजेंट है बोलना है गलत है मेरे भाइयों। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर मुसलमानों का रहबर बोले तो ओवैसी साहब ही हो सकते हैं। मैं ना कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, ना बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, ना जेडीएस से जुड़ा हुआ हूँ, ना कोई और पार्टी से। हमारा मकसद यही है कि बार बार ओवैसी साहब को जो टारगेट बनाया जा रहा है और जो भी सेकुलर माइंड रखने वाले लीडर है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो जेडीएस के नेता हो, चाहे वो बीएसपी के नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, हमारा मकसद यही है जो भी सेकुलरिज्म के लिए आवाज़ उठाने वाले लीडर है इनके ऊपर बार बार हमला होना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है ना प्लानिंग है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से इस बात की अपील करता हूं कि जबकि अवैसी साहब कई अपने स्पीचों में बोले हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान के पीछे किरामिन कातेबिन दो जो है ना यही सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, फिर भी मैं माननीय राष्ट्रपति जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि मुसलमानों की आन और शान अवैसी साहब को हम समझते हैं, चाहे वो कौन सी भी पार्टी से क्यों ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो। माननीय अवैसी साहब को जो है ना जेड सिक्योरिटी देना हम सरकार से यही मांग करते हैं और मैं तमाम मुसलमानों के अलावा जो भी सेकुलरिज्म के संगठन हैं उन सभी से मैं अपील करता हूं कि अवैसी साहब पर आज हमला हुआ कल किसी और सेकुलर लीडर पे होगा मेरे भाइयों। इसीलिए जो है ना हमारे तमाम नाइत्तेफाकियों के एक तरफ रख के हम सब इतिहास से किसी एक माइनॉरिटी के लीडर के ऊपर जब वार हुआ जाता है तो हम तमाम माइनॉरिटीज़ और दलित, सिख, ईसाई, इसके अलावा भी जो भी सेकुलरिज्म में
सभी लोग जो है ना इकट्ठा होकर हम आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में किसी पे भी यह हादसा पेश आ सकता है।